अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल इंडियन ब्लॉगर फौजिया एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उल्टे सीधे की रेसिपी। उल्टे सीधे बनाने के लिए मैंने ले ली हूँ एक बाउल में बेसन और उसमें डाल ली हूँ नमक और ये बारीक कटा हुआ कोथमीर डाल लूँगी और इसमें हल्का हल्का पानी मिलाकर मिक्स कर लूँगी। इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगी। पानी को मैं स्लोली स्लोली ऐड करूंगी ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। ये बैटर रेडी हो चुका है। अभी मैं ले लूंगी एक तवा, इसमें मैं डाल लूंगी तेल और जो मैंने बैटर बनाई थी उसको अच्छे से फैला लूंगी और इसकी एक पतली सी फ्राई जैसे मैं बना लूंगी और फिर इसे कुछ इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लूँगी। अभी इस पर मैं डाल लूँगी थोड़ा सा और तेल और इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करूँगी और क्रिस्पी रखूँगी। इस तरीके से ही मैं बाकी के बेसन के बैटर की भी ऐसे ही बना लूँगी और फिर मैं करूँगी इसकी ग्रेवी की तैयारी। ये एक दो बनकर रेडी हो चुकी है और बाकी की भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। ये मैं बना रही हूँ एक और एक उल्टे सीधे और इसको पकाने के बाद मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। मीडियम साइज़ में काटी हूँ, आप अपने हिसाब से कैसे भी काट सकते हैं। एक टोप में डाल लूँगी थोड़ा सा तेल और इसको फिर से एक बार के लिए फ्राई कर लूँगी और रोटी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसके ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। उसके लिए मैंने ले ली हूँ तेल और उसमें डाल ली हूँ ज़ीरा और लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे चला लूँगी और फिर इसमें मैं डाल लूँगी हरी मिर्ची काटकर। अभी मैंने इसमें डाली हूँ लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर पका लूँगी मसाले को। और डाल लूँगी नमक और ये मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी और फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी पानी। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, मैंने घर के लोगों के हिसाब से पानी डाली थी एक गिलास। और इसमें अभी हम डाल लेंगे अपने ये उल्टे सीधे जो बेसन के बैटर के हम लोग ने रेडी कर लिए थे पहले ही और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें का पानी की क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती। ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसमें डाल लूँगी कोथमीर और ये अब रेडी हो चुका है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। सालन रेडी हो चुका है और रोटी भी पक चुकी है। अभी हम सब बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। आज के खाने में हमने यही बनाया था उल्टे सीधे बेसन के और रोटी। आपको हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए ब्लॉग के साथ।